यूपी के जिला लखीमपुर में भड़काऊ वीडियो के चक्कर में बवाल और उसके बाद कई दिन कर्फ्यू की मार झेल चुका लखीमपुर शहर बुधवार दोपहर फिर गर्मा गया। छात्रा से छेड़खानी की घटना को लेकर भाजपा कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और आरोपी को ढूंढ डाला। पुलिस आरोपी को छुड़ा ले गई तो पीछे से पहुंची भीड़ ने थाना घेर लिया और जमकर हंगामा किया। भाजपा प्रत्याशी योगेश वर्मा की इस दौरान एएसपी जितेंद्र चौधरी से नोकझोंक हो गई। इसके बाद पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज किया। पुलिस ने योगेश वर्मा और उनके दो समर्थकों को हिरासत में ले लिया, हालांकि कुछ देर बाद उन्हें छोड़ दिया गया। बताया जा रहा है कि भाजपा नेता के रिश्तेदार की बेटी दोपहर में ट्यूशन जा रही थी, तभी दूसरे समुदाय के बताए जा रहे एक युवक ने उसकी साइकिल रोककर छेड़खानी की। छात्रा ने शोर मचाया तो राहगीरों ने आरोपी युवक को पकड़ लिया और पीटना शुरू कर दिया।